70,000 शिक्षक भर्ती में थर्ड काउंसलिंग की अगर बात करें तो 28 और 29 जून को हुई थी, लेकिन समस्त जो भी चयनित अभ्यर्थी थे 6,696, इन सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र 30 जून को प्राप्त होना था, लेकिन एक आदेश जारी करके 29 तारीख को उसे रद्द कर दिया गया और कहा गया कि कुछ दिनों में समस्त चयनितों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। तब से लेकर आज तक लगभग 18 दिन हुए और इन दिनों में अभ्यर्थी SCERT और जो भी नेतागण हैं और अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन आज तक उनको नियुक्ति पत्र वितरित नहीं हुए। तो ऐसा क्यों? अपडेट देखें। बताया गया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के 6,696 चयनितों ने मांगा नियुक्ति पत्र। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के लिए 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती की तीसरी जो सूची है उसमें चयनित 6,696 शिक्षकों ने नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर शुक्रवार को स्थानीय सांसद डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी एवं प्रदेश सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह के प्रतिनिधियों को मांग पत्र भी सौंपा। चयनित शिक्षकों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर अपनी मांग दोहराने के बाद उनके कार्यालय और सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के कार्यालय को भी मांग पत्र यहां पर उन्होंने सौंपा। चयनित शिक्षकों का कहना है कि उनके संघर्ष के बाद प्रदेश सरकार की ओर से ये भर्ती की जो चयनित हुए 6,696 अभ्यर्थी उनको नियुक्ति पत्र दिया जाना है, लेकिन काउंसलिंग से एक दिन पहले नियुक्ति पत्र रोके गए और उसके बाद की जो तिथि है आज तक नहीं जारी की गई और तब से लेकर आज तक समस्त चयनित जो छात्र हैं वो अपनी नियुक्ति का इंतज़ार कर रहे हैं। फिलहाल इस पर कोई लेटेस्ट अपडेट भी नहीं आ रही है कि आखिर में समस्त चयनितों के नियुक्ति पत्र क्यों रोके गए हैं और ये कब तक जारी किए जाएंगे, लेकिन हाँ ये अपडेट है कि इस महीने के अंत तक नियुक्ति पत्र समस्त चयनित छात्रों को दिए जा सकते हैं, उसके लिए लिखित आदेश जल्द देखने को मिलेगा। बाकी जो अपडेट होगी अगले वीडियो के माध्यम से सूचित की जाएगी, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें।